नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह। आप देख रहे हैं एटीसी फास्ट। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत हापुड़ की नगरपालिका परिषद प्रांगण में 13 जोड़ों का हुआ विवाह। इस मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में हिंदू मुस्लिम दोनों समाज के कुल 13 जोड़ों का विवाह कराया गया, जिसमें हिंदू समाज के विवाह पंडित जी द्वारा अग्नि के फेरे दिलाकर विवाह कराया गया, तो वहीं मुस्लिम समाज के भी निकाह मुस्लिम रीति रिवाज से कराया गया। इस मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में मुख्य अतिथि के रूप में हापुड़ सदर के विधायक विद्यापाल आरती व हापुड़ नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष प्रफुल्ल सारस्वत और जिला समाज विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। मंच पर बैठे मुख्य अतिथियों ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। तो वहीं जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में विवाहित जोड़ों को प्रमाण पत्र दिए गए। सुनते हैं हापुड़ नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष प्रफुल्ल सारस्वत को। विधायक जी ने कहा, वास्तव में सरकार हमारे सुख दुख सभी की चिंता कर रही है, हमारे युवा साथियों की चिंता कर रही है, नौजवानों की चिंता कर रही है। मेरी बहनें, जो मैं अभी पता देख रहा था, माननीय विधायक जी भीमनगर से, सुभाष नगर से हैं, शिवनगर से हैं, छोटावाली से हैं, शिवदयालपुरा से हैं, आदर्श नगर से हैं, हरजसपुरे से हैं, शिवगढ़ी से हैं। कोई सरकार ध्यान नहीं देती। यदि हम अपनी माँ बहन बेटी का ध्यान नहीं रखेंगे, उनके मान सम्मान का ध्यान नहीं रखेंगे, उन्हें किस तरह से व्यवस्थित करेंगे, उनकी आय की, युवाओं की आय की चिंता नहीं करेंगे, उनके घर किस तरह से व्यवस्थित रहे, बच्चे कितने बढ़िया स्कूलों में पढ़े। मैं माननीय विधायक जी को और विधायक जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, और आप सबको भी बहुत जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देना चाहिए कि हमारे बच्चे उन स्कूलों में पढ़ रहे हैं जो कॉन्वेंट स्कूलों के बराबर में। आप जाइए आज विद्यालयों में, माननीय विधायक जी ने औचक निरीक्षण किए हैं, पिछले 3 साल से लगातार माननीय सांसद जी ने औचक निरीक्षण किए हैं, माननीय विधायक जी टियाला के विद्यालय में गए हैं, नगर पालिका के विद्यालय में आए हैं, माननीय विधायक जी ने गाँव के विद्यालयों के औचक निरीक्षण किए हैं। आप देखिए, वही सरकारी तंत्र है, वही लोग काम करने वाले हैं, लेकिन बदलाव बहुत बड़ा है। बदलाव क्यों बड़ा है? क्योंकि ईमानदार नेतृत्व, ईमानदार प्रतिनिधित्व और ईमानदारी की मंशा है। काम ईमानदारी से है, पारदर्शी तरीके से है। नहीं चलेगा भी इस देश में कि किसी का बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेगा और हमारे बच्चे जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ेंगे उनके लिए व्यवस्थाएं नहीं की जाएंगी, उनके लिए निःशुल्क व्यवस्थाएं की जाएंगी, हमारे बच्चों को जूतों की, मोजों की। माननीय विधायक जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं समस्त सदन के विधायकों को, अपने माननीय विधायक जी को, सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिंता की, माननीय प्रधानमंत्री जी ने चिंता की आपकी, उज्ज्वला गैस के माध्यम से। फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ, तब तक देखते रहिए एटीसी फास्ट।